बिजली विभाग की एक लापरवाही सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि कन्नौज के अंदर गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। कई बीघे की गेहूं की फसल यहां पर जलकर राख हो गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये भीषण आग लगी है। बिजली विभाग की ये लापरवाही बताया जा रहा है। छिबरा मऊ क्षेत्र के लड़ौता गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग की वजह से कई बीघे की गेहूं की जो फसल थी वो जलकर राख हो गई। कन्नौज के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये कहा जा रहा है कि आग के लगने के पीछे का कारण रहा है। साथ ही यहां पर कई बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और गेहूं की फसल में आग लग गई, भीषण आग लगी। कई बीघे की यहां पर जो फसल थी वो जलकर राख हो गई। छिबरा मऊ क्षेत्र के लड़ौता गाँव का ये पूरा मामला है कन्नौज के अंदर, जहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आग लगी है और गेहूं की फसल का ये नुकसान हुआ है। तो बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कन्नौज के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही, गेहूं की फसल में यहां पर भीषण आग लग गई। कई बीघा की जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हो गई है। कहा यह जा रहा है कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से यहां पर आग लगने की घटना हुई है।